Hey guys, good morning. आज बहुत जल्दी सुबह हुई है एंड हम अभी भैया के साथ हैं. कहाँ जा रहे हैं हम? एयरपोर्ट जा रहे हैं. T3 जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हम भैया उसको. कल रात को 2 बजे से हैं क्योंकि इतनी हबड़ा दबड़ी में सब होता है, टाइम ही नहीं होता. सीधे दिल्ली लैंड करते हैं एंड देन वी हैव टू फ्लाई बैक समवेयर. तो अभी सरप्राइज़ है. कहाँ जा रहे हैं मैं एयरपोर्ट पहुँच के बताता हूँ. बट उससे पहले एक और सरप्राइज़ है क्योंकि अभी मेरे को दुबई से इतना सामान लेके आया हूँ मैं लोगों का. अभी मेरे को करण सहगल का भी सामान देना है तो वो भाई साहब भी आ रहे हैं. उसके साथ लाइव लोकेशन शेयर कर दिया मैंने. वो गुड़गांव से आ रहा है, मैं नोएडा से जा रहा हूँ. सो आई थिंक हम टाइम पे ही मिलेंगे एक दूसरे से. लेट्स सी. पीस आउट. भैया हमें डिले कराएंगे. भैया को लग गया सूसू. भैया फ्लाइट डिले कराओगे मेरी? नहीं, मिस हो गई तो आपके सूसू पे है. पीपी. तो गाइस हम जा रहे हैं गुवाहाटी. मैं इतने टाइम से नॉर्थ ईस्ट जाना था. आई थिंक मेरे को 4 साल से तो हो गए हैं तब से मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना था. फाइनली हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं बट हमारे पास जगह एक्सप्लोर करने को और टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि हम अभी मेक माई ट्रिप की तरफ से जा रहे हैं असम. तो मेक माई ट्रिप का एक कैंपेन चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंस डे के लिए जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, सब में सब जगह एक एक इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ को भेज रहे हैं. कालीन भैया भी जा रहे हैं कहीं. मैंने देखा था कालीन भैया शायद हमने स्टोरी डाली थी कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा. बबलू ने भी डाली थी. तो मैंने आई थिंक पहले स्टोरी डाली थी बताने के लिए कि कौन सी स्टेट है. तो मैंने उड़ीसा के बारे में बताया था. वृंदा ने बताया था मध्य प्रदेश के बारे में. तो मैंने देखा था कालीन भैया भी बिहार के बारे में बता रहे थे. तो पहली बार हो रहा है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ एंड बबलू कहीं और जा रहा है. तो देखते हैं किसके ब्लॉग ज़्यादा अच्छे बनेंगे. कॉम्पिटिशन टाइम एंड बबलू हेट्स कॉम्पिटिशन. उसको कॉम्पिटिशन का नाम सुनते ही वो कहती है कॉम्पिटिशन मेरे से क्या कॉम्पिटिशन लगाएगा. बट मज़ा आएगा. कॉम्पिटिशन हम लगाएंगे. ये हम डीलिंग कर रहे हैं अपने. हाँ इस बार हमने मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है. अब मैं भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया. Finally. इसी का तो इंतजार था. हाँ. इसने बहुत इनकरेज किया. Yes. और इसने भी बहुत सिखाया कि बनाते रहे. हाँ. डालना जरूरी नहीं है. कुछ भी चलेगा. पुराने फोन की वैल्यू कदर खत्म हो गई. वही इस बार तो मैं बहुत सामान लेके आया हूँ. मैं तो बताता रहा. इसने ना मुझे पहले फोटो भेजी. मैं कहा ठीक है फिर क्या. मैं उसमें ध्यान नहीं दिया. मैं कह रहा आईपैड का वो होगा कीपैड वगैरह. भाई साहब मुझे कहता है सारा सील सामान ले आया भाई बैग में भर के. मैं क्या क्या. Apple laptop, AirPods, Apple watch, phone, iPhone कितने आए? दो. बताओ जरा. और ये अभी इस महीने में दूसरी ट्रिप है? तीसरी? नहीं अभी पिछले महीने आया था ना. अभी इस महीने आया. उससे भी पहले एक महीने आया था. Guys contact him. You can subscribe. नहीं मैंने कहा. अरे मैं चार्ज करने लग जाऊंगा. मैं बोलूँगा पैसे तो बोले. मेरी ट्रिप स्पॉन्सर करो तो मैं. तुमने अपना वो कहते हैं ना टैलेंट दिखा दिया है. अब लोगों को पैसा देना. नहीं मैं बताता नहीं. वैसे तेरे को पता था. एक बार क्या हुआ मैंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ. तो सबको पता लग जाता है. फिर लिस्ट आ जाती है. सारा कह रही है मेरे लिए गिम्बल लाना है, मेरे लिए टीवी लाना है. लोगों के लिए काम ही नहीं खत्म होता. नहीं होता. पहले बैग जा रहे छोटे फिर बड़े बैग आ रहे फिर बैग को कंधे में उठा के टीवी लेके आ रहे. ऐसी था. बट एनी वेज हम जा रहे हैं गुवाहाटी. यस हम नहीं जा रहे हैं गुवाहाटी. मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी. ये जा रहे घर. और बट ये भी कहीं और जा रहा है. पर तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ. तुमने अभी अभी प्रपोज करा. जनता जानना चाहती है अभी. पर जनता वो वही तो कह रहा हूँ ना कि वो जाने नहीं. वो कह रहे कि ये जो अलग अलग जाओगे तब वो प्यार हमारा टूट है. प्यार तो टूट है. वो कह रहे हैं आपको ये दिखाने कि आप उधर जा रहे हो और आप ये जा रहे हो. वो अलग एक सिटी एक्सप्लोर करेगी. आप हम करण सहगल से टिप्स लेंगे ठीक है. क्योंकि मैं व्लॉगिंग नई नई स्टार्ट की है. अभी जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो भी यूट्यूबर ही है. तो उससे भी उसने भी मुझे बहुत सिखाया था. कहती यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं से स्टोरी स्वाइप अप की बना और ये कर थंबनेल पिक्चर ले. ये ले. मैं भाई इतना काम कौन करता है. ये तो है. देखो बेसिक्स. देखो वीडियो दो चीजों पे चलती मतलब तीन चीजों पे चलती है. कंटेंट थंबनेल टाइटल थंबनेल और कंटेंट. हाँ बट प्रायोरिटी वन इज टाइटल एंड थंबनेल बिकॉज जब तक लोग दबाएंगे नहीं तो देखेंगे. हाँ. तो चाहे जितना मर्जी अच्छे कंटेंट हो अगर टाइटल और उसके लिए मतलब मैं कला चाहिए होती है. मैं तो कह रहा हूँ क्लिकबेट थोड़ा बहुत यूज कर. मैं कभी कभी मैं इसको फोन करता हूँ ये बता ये क्या हो रहा है. पहले थोड़े लोग शॉक में चल जाते हैं कभी कभी टाइटल देख के ना कि भैचो क्या हो गया. क्या हो गया. ऐसा कुछ होता नहीं है लकीली. वो एक्सीडेंट वाली तो सबने जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा देखा हो. बट ये है कि टाइटल थंबनेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कंटेंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट जब तक टाइटल नहीं तब तक कंटेंट नहीं. और
बस भाई दूसरा एक दिल से, मैं तो दिल से करता हूँ कि बेंच मतलब जो मन खराब होती है देखो अभी दिल से ये उठा रहा हूँ तो जो मतलब होता है वो होता है, काफी लोग प्रिटेंड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैं तेरे मैं हम इसके व्लॉग देखते थे हाँ। और मैं जब इससे मिला मैं कहा यार सेम सेम टू सेम तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत ही जेन्युइन है। हाँ, तो जिसने कनेक्ट करना करेगा, जिसने नहीं करना नहीं करेगा, जस्ट टू बैड उनका टेस्ट खराब है, हम क्या कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहो, मतलब मैं ही देता हूँ, अच्छा नहीं लगता बट कंसिस्टेंट रहो, जितना ब्लॉगिंग में कनेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो जब तक रेगुलर नहीं होंगे तो लोग क्या देखेंगे। और चौथी टिप तूने ये बताई थी जो बहुत अच्छी थी, तेरे को याद नहीं होगी हाँ। कि इसने बताया था कि खुद एडिट करो, क्योंकि मैंने बहुत हाँ। मैंने बहुत एडिटर्स को ट्राई कर लिया, जब तक खुद नहीं एडिट करोगे ना फील नहीं आएगी, तो फील नहीं आती, फील नहीं आती, डिपेंडेंसी बन जाती थी ना कि वो एडिट कर रहा है नहीं कर रहा, तभी ब्लॉग सारे खुद ही करते हैं। और इसने एक और चीज बताई थी कि Easier, premiere तो हाँ, बाद में आएगा, पहले cinematics नहीं, पहले तो दिखाओ, दिखाओ। तो लोगों को day to day activity देखनी है, उसको join भी कर दोगे तब भी लोग देख लेंगे, प्यार होना चाहिए। subscribe कर देना, subscribe कर देना। भाई इधर थोड़ी अभी तो start हुआ है, तो करेंगे तभी तो बढ़ेगा, जब तक subscribe करो, भाई subscribe करो, subscribe करो। Yes. चलो, bye, thanks for dropping it. Bye, bye for the camera. Guys, pro tip. ये 500 रुपए में ना जितने भी ये फ्लेक्सी प्रो मैक ये सब मिलते हैं फ्लाइट में, ये ले लेना चाहिए क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम बचता है और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये 500 रुपए में ज़्यादा मिला था, इसमें एक्स्ट्रा लेग रूम भी मिल रही है और टाइम भी बच रहा है क्योंकि लाइन इतनी छोटी है। चार लोग हैं और वहाँ पर 100 लोग हैं। चलो सब गाइस, फाइनली हम पहुँच गए लाउंज में, अभी बज रहे हैं 9:26, सो वी हैव आई थिंक आधा घंटा है, उसके बाद भागना पड़ेगा। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, देखते हैं व्हाट्स देयर टू ईट।